हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो बताइएगा देखने के बाद आपको कैसा लगता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और 1 लीटर दूध को मैंने अच्छे से उबाल आने तक खूब अच्छे से पकाया है, और पकाया है इतने अच्छे तरीके से कि दूध का जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इसके लिए मैंने क्या क्या फ्रूट लिया है आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने लिया है थोड़े से अनार, अंगूर, केला, सेब, और इसके अलावा मैंने जो ये कस्टर्ड बनाने के लिए यूज़ किया है वो है टॉप्स का कस्टर्ड पाउडर, और मुझे वैनिला फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आपको बनाना हो तो। तो यहाँ मैंने दूध उबालने से पहले मैंने थोड़ी सी ठंडी दूध निकाल ली थी, क्योंकि ठंडे दूध में घोलना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। आप इसकी जो भी आप बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर तो आप अपने अकॉर्डिंग पाउडर कम या अधिक कर सकते हैं, आप जितना दूध ले उसके अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच यूज़ किया है, मेरा 1 लीटर दूध था इसलिए। तो यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया, इसको अच्छे से घोलना होता है ताकि इसमें कोई लंग्स ना रहे। तो मैंने इसे अच्छे से घोल के देख लिया, अच्छे से चेक कर लिया है कि कोई लंग्स तो नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, कोई भी लंग्स नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से पाउडर हमारा दूध में घुल गया था, एडजस्ट हो गया था। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी मैंने थोड़े से पहले डाले थे, थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें फ्रूट्स होता है तो अगर आप लाइट में भी चीनी डालेंगे ना तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्रूट्स भी तो मीठे ही होते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया है जो मैंने घोल तैयार किया था उसको, और देखिएगा आप जैसे जैसे घोल डालिएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा तो अच्छा रहता है, वरना फटाफटा हो जाता है। और जैसे ही आप देखिएगा अच्छे से, जब तक दूध उबल नहीं जाता उसमें मिक्स करिएगा तो जल्दी ये गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन देखिए इसमें मैंने डालते डालते ये काफ़ी ठीक हो गया है, और आप देख सकते हैं इसका थिकनेस। यहाँ पे मैंने लिया है 8 से 10 छोटी इलायची, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है छिलके अलग करके। इसमें मैं डालूँगी अब छोटी इलायची की पाउडर। इसके बाद से मैं मिक्स करूँगी, जितने भी मैंने फ्रूट्स लिए थे वो सारे फ्रूट्स ऐड करूँगी। आपने देखा ही मैंने क्या क्या फ्रूट्स लिया है, और फ्रूट्स के अलावा मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी लिया है, क्योंकि जो क्रंची क्रंची फ्लेवर्स आता है ना खाने के टाइम मुँह के अंदर, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सारे फ्रूट्स को ऐड कर दिया है, और उसके बाद से मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड किया है। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ 3 आइटम अवेलेबल थे इसलिए मैंने 3 आइटम ही डाला है, वो है काजू, बादाम और किशमिश। इसके अलावा मेरे पास और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था तो मैंने इतना ही डाला है। तो काजू, बादाम और अनार का जो क्रंचीपन आता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के टाइम में। तो देखिए मैंने सारे भर भर के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, इलायची पाउडर डाले हैं, और देखिए मैं आपको स्टेयर करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो बनाते वक्त ही मुँह में पानी आ रहा था। कस्टर्ड अभी गर्मी का टाइम है, फ्रूट कस्टर्ड घर में बना के आप रखिए। हम तो सोचते हैं जब भी बनाए तो हम स्टोर करके रखें फ्रिज में, मतलब कि 1-2 दिन हम लोग खा सके, लेकिन बचता नहीं, इतना ही यम्मी टेस्टी होता है कि बनाने के बाद हम थोड़ा देर इसे 2 से 2.5 घंटे फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद ये जिस दिन बनाओ उसी दिन ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमने थोड़ा सा अनार से इसे गार्निश किया है, अभी मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। देखिएगा दिखने में ही कितना यमी लग रहा है, नज़दीक से आप देख सकते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।